Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Achievers में. आज 20 अगस्त है और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे जुड़े फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना रिस्पांस कमेंट में जरूर दें. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में दिल्ली पुलिस के परिवारों को दरवाजे पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कौन सी सुविधा शुरू की है. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी रथ. 18 अगस्त 2020 को दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और इस पहल के तहत दिल्ली पुलिस परिवारों के द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है. ओके जिन मोबाइल यूनिट को सेवाएं प्रदान करना है उन्हें धन्वंतरी रथ नाम दिया गया है. अब देखते हैं दिल्ली से जुड़े फैक्ट को. कैपिटल बनाया गया था 1911 में और यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में. नेशनल कैपिटल बना था 1 फरवरी 1992 को. कैपिटल है न्यू दिल्ली, टोटल डिस्ट्रिक्ट 11. लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी अनिल बैजल. अरविंद केजरीवाल सीएम है और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया. टोटल विधानसभा सीट है 70, राज्यसभा 3 सीट एंड लोकसभा 7 सीट. एरिया वाइज रैंक है 31st. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाल ही में किसने भारत में आधुनिक उच्च गति दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है. इसका राइट आंसर होगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में. प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आशाकावा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन पहली बार कब होगा. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा एक आभासी मंच पर जारी किया जा रहा है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने 13 अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए एयर बबल पर हस्ताक्षर करने की सहमति जताई है. इसका राइट आंसर होगा इंडिया. भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इजराइल, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या और फिलीपींस सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते पर बातचीत की और इसका द्विपक्षीय एयर बबल पैक्ट के तहत दोनों देशों के विमानों कंपनियों कुछ प्रतिबंध के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करेगी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केइता ने देश में सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया. इसका राइट आंसर होगा माली. माली लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में. इसका कैपिटल है और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बामाको. ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच. लेजिस्लेचर है नेशनल असेंबली और वहाँ मिलिट्री रूल है. अभी PM का सीट भी वहाँ वैकेंट है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है. इसका राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद. रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे.
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। ओके, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि मानवीय सेवा में अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए श्रद्धांजलि दी जा सके। ओके, उन एड वर्कर को ट्रिब्यूट देने के लिए जो हमारे मानवीय सेवा में अपना जीवन जोखिम में डालते हैं। ओके, इसलिए मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2020 के चुनाव के लिए औपचारिक रूप से किसे राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो विडेन। ओके, जो विडेन को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है और कमला हैरिस को हाल ही में चुना गया था उपराष्ट्रपति पद के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश खिलाड़ी ग्रेट एंजेला बंगस्टन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेनिस। ग्रेट एंजेला बंगस्टन ये रही और ये टेनिस से संबंधित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका राइट आंसर होगा बनारस। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बनारस रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने COVID-19 परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। ओके, COVID-19 परीक्षण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने बुधवार को लोगों को अपने कोविड परीक्षण परिणामों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल की स्थापना की है। ओके, कर्नाटक से जुड़े फैक्ट को देखते हैं। कैपिटल है बैंगलोर, लार्जेस्ट सिटी बैंगलोर, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30, पॉपुलेशन वाइज रैंक है 8, एरिया वाइज रैंक है 6 एंड वाइजू भाई बाला गवर्नर है, बीएस के दुरप्पा सीएम है, टोटल विधानसभा सीट है 224, विधान परिषद 75 सीट, राज्यसभा 12 सीट एंड लोकसभा 28 सीट। ओके, हाई कोर्ट है कर्नाटक हाई कोर्ट और बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वन अरेंज्ड मर्डर आगामी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आगामी पुस्तक मतलब जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। ओके, आने वाले पीरियड में रिलीज होगा। इसका राइट आंसर है चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा वन अरेंज्ड मर्डर लिखा गया है। ये रहे चेतन भगत और इस बुक का ये कवर पेज है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉरी इसका की पॉइंट देख लेते हैं। लेखक चेतन भगत ने हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की और अब उन्होंने इसका सिनेमाई ट्रेलर जारी किया है। ओके, वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इसे 28 सितंबर 2020 को जारी किया जाएगा। कब रिलीज किया जाएगा? 28 सितंबर 2020 को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 अगस्त। ओके, सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं? हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। किस संगठन में कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों की सफाई के लिए यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा DRDO। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली, चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक भारत में कितने कैंसर पीड़ित होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15.7 लाख। ओके, और ये रिपोर्ट जारी किया गया है ICMR द्वारा। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली एंड फाउंड किया गया था 1911 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लाई है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लाई गई है। उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी लखनऊ, एंड गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा 403 सीट, विधान परिषद 100 सीट, राज्यसभा 31 एंड लोकसभा 80 सीट, हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रयागराज। ओके, हाईकोर्ट का ब्रांच है लखनऊ और एरिया वाइज रैंक 4th एंड पॉपुलेशन वाइज रैंक है 1st। नाउ क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था। क्रिकेट के इतिहास में 3 ICC ट्रॉफी जीतने वाला एकमात्र कप्तान कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे महेंद्र सिंह धोनी। ओके, जिसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश दिया? ऑप्शन ए मुंबई पुलिस, ऑप्शन बी बिहार पुलिस, ऑप्शन सी CBI, ऑप्शन डी ED। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को करना है। ओके, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके ओके गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और डेली जीके GS क्विज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।